मेरे हमेशा ये कोशिश रही है कि हर फिल्म एक दूसरे से अलग हो, जैसे घायल के बाद में दामिनी, दामिनी का अंदाज़ अपना अपना, अंदर बरसात, अलग अलग तरह के। तो ये चाइना गेट भी जब मैंने सोचा, आई डिडंट थॉट दैट विल गो दिस बिग बजट, बट एज वी वेंट ऑन टू द लोकेशन वी स्टार्टेड मेकिंग इट, देन आई रियलाइज द पोटेंशियल। ये सारे कलाकार, होम पुरी, नसीर, अमरीश जी, डैनी जी, कुलभूषण, टीनू आनंद, अंजन जी वगैरह, जो भी बिज्जू कोटे, जगदीप, सब टैलेंटेड लोग हैं। मैन वेंट ऑन द लोकेशन, देन आई रियलाइज दैट इट हैज़ अ स्कोप ऑफ ग्रोइंग एंड कमिंग टू अ स्केल विच इज़ नॉट सीन ऑन इंडियन स्क्रीन। तो मैंने उसे दबाने की कोशिश नहीं की, मैं जानता था कि इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी प्रपोजल, ईजी प्रोजेक्ट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सेलेबल स्टार्स एज सच, जो एक ट्रेड की एक मांग होती है वो नहीं है। बट स्टिल मुझे लगा पोटेंशियल है, तो मुझे सब्जेक्ट के साथ में मेकिंग में कोई नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। और इस ख्याल के साथ में और से मिस्टर भरत भाई, जो हमारे फाइनेंसर हैं, ही ऑल्सो सपोर्टेड मी वेरी मच, ही सेड यस, ही एग्रीड विथ मी, एंड वी स्पेंड मनी वेयर इट वॉज रिक्वायर्ड, वी सॉ टू इट दैट फिल्म इज एज एंटरटेनिंग एज वी थॉट टू मेक इट, एवरीथिंग वेंट आउट राइट। कहानी की मांग थी ये कि कहानी में हम चाहते थे कि हीरोज जो हैं, कि कार्डबोर्ड हीरोज हों, वो रियल हीरोज हों। तो फिल्म के दौरान स्क्रीन प्ले में, स्टोरी में, हम चाहते थे कि फिल्म देखते देखते प्रोग्रेस में दे मस्ट एमर्ज विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। तो इसलिए हम चाहते थे, हमारी कहानी थी कि ऑल द प्रोटोकॉनिस्ट, ऑल द जो मेन कैरेक्टर, सब एजड लोग हैं, 50-50+ के लोग हैं। तो इनकी कहानी है, हाउ दिस पीपल दे कोप अप विद सर्टन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और किस तरह से ये हीरो बन के खड़े होते हैं पर्दे में। उसी जॉनर में है, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम सेवन समुराई एंड ऑल्सो इट्स अ ट्रिब्यूट, अवर ट्रिब्यूट, अवर हम्बल ट्रिब्यूट टू मिस्टर लेट अकिरा कुरोसावा। लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड मी इन इंडिया, गुरुदत्त वर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट, राज कपूर वर्क, राजेश वर्क इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट, एंड लॉट ऑफ फिल्म्स हैव लॉट से मेकर्स, कई फिल्में जैसे आवारा, संगम, प्यासा, कागज़ के फूल, दो आंखें बारह हाथ, उसी तरह के साउथ के भी शिवाजी गणेशन के कई फिल्में हैं जो काफ़ी मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, काफ़ी उससे लर्न किया है मैंने। अब्रॉड में भी कई फिल्में हैं, जैसे कुरोसावा की फिल्म हुई, जॉन फोर्ड की फिल्म हुई, हिचकॉक की फिल्म हुई वगैरह। तो जरिया तो कई है, गोविंद निहलानी जी जिनके साथ मैंने काम किया, वो मेरे गुरु हैं, तो उनकी फिल्मों से भी काफ़ी मैंने सीखा, लर्न किया उनके साथ। मैं ऐसे कुछ ऐसी जब मैं बनाता हूँ तो मैं ईमानदारी के साथ पूरी कन्विक्शन से करता हूँ। लाइक कॉमेडी ऑल्सो इज नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट लोगों को हंसाना, इमोशन तो एक सिचुएशन आप कर दिए तो वर्क्स आउट, टू मेक अ सेंसिबल कॉमेडी, नॉट आई एम नॉट सेइंग ऐसे लुंगी उठा कर डांस कर रहे हैं, सर पे आटा गिर गया, पैंट खुल गया आदमी के, नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अ वेरी हेल्दी कॉमेडी वेयर फुल फैमिली कैन सिट एंड एंजॉय विदाउट एनी वल्गैरिटी, विदाउट एनी डबल मीनिंग, कोई भोंडापन, कुछ चीप नहीं हो उसके साथ में। तो इट वॉज अ वेरी, आई थिंक टू मी आई विल से द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म वॉज अंदाज अपना अपना, व्हाट आई डिड विद आमिर एंड सलमान, एंड आई गॉट लॉट ऑफ व्हाट टू से अप्रिसिएशन फॉर दैट। कमर्शियली द फिल्म डिड वेरी वेल इन सिटीज द फिल्म, बट आज भी जब भी वो चैनल्स में दिखाए जाते पिक्चर, सैटेलाइट में दिखाते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, लेटर्स आते हैं मुझे, और कई लोगों ने उसके कैसेट घर में ख़रीद के रखे हैं। लॉट ऑफ स्टार्स जो मेरे दोस्त हैं, शाहरुख हुए, माधुरी दीक्षित वगैरह, दीदी की बॉन्ट डेलिंग मी, वाई डोंट मेक अनदर कॉमेडी, वाई डोंट मेक अनदर कॉमेडी। सो आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग फिल्म। दामिनी अपनी जगह पे वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वेरी रिस्की सब्जेक्ट, कि एक औरत एक नौकरानी एक मेड सर्वेंट के रेप के ऊपर स्टांस ले लेती है, एंड शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इन लॉस, दैट वॉज फाइट ऑन बेस ऑफ प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, वेरी डिफिकल्ट। तो दैट ऑल्सो वन मेड वेरी सक्सेसफुली निकल गया उसमें। तो एवरी फिल्म इज ओन चैलेंज, लाइक चाइना गेट अगेन इज वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। ये सब मेरे जो एक्टर्स हैं, दे ऑल आर वेटरन्स एंड वॉट से नॉट अ रोमांटिक, आज के चलने वाले स्टार्स में से कोई नहीं है वो, बट वेरी गुड एक्टर्स। तो उनको इकट्ठा करके उनके साथ एक ड्रामा किया है, और उनके साथ एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश की है, एंड दे आर नॉट नोन फॉर द एक्शंस, दे आर नॉट लाइक अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और सनी देओल,
Om Puri, Naseer, Amrish, they're known for their what is the ability of performance. So, Raji, is it easy making films of these films? Shayad, main ye kahunga ki by grace of God, I think I have reached. That's the situation where के डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए वो स्टार के डिमांड नहीं करते, मांग नहीं करते हैं, द टोटल प्रोजेक्ट को वही करते हैं. वो होना भी यही चाहिए. इनफैक्ट इसलिए कोशिश की भी गई है कि हमें प्रोजेक्ट को, टोटल प्रोजेक्ट को वैल्यू करना चाहिए, नॉट कि एक आदमी एक स्टार या एक हीरोइन उस पर ध्यान दे. कल हो सकता है कहानी की डिमांड हो तो स्टार्स भी बहुत ज़रूरी है. कुछ सब्जेक्ट कुछ फिल्म के हिसाब से स्टार्स का होना बहुत ज़रूरी है. बट सम प्रोजेक्ट्स यू शुड नॉट बी फोर्स्ड कि स्टार्स होंगे तो फिल्म बनेगी या फिल्म बना सकते हैं वगैरह. इन टोटलिटी ऐसी फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस. तो एज अ डायरेक्टर यू मस्ट पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स. म्यूज़िक हुआ, बैकग्राउंड पेंटिंग हुआ, सेट हुआ, कॉस्ट्यूम हुआ, सारी चीज़ों का मिश्रण ही एक टोटल फीलिंग देती है. कई बार हम कहते हैं फिल्म अच्छी लगी थी या फिल्म ख़राब लगी है तो पिन पॉइंट नहीं कर पाते. बट इफ़ यू रियली सी वाई ये फिल्म, कभी हमें लगता है यार फिल्म बहुत चली क्यों, यू नॉट सी एनीथिंग. बट सबकॉन्शियस लेवल पे उसमें कोई ना कोई डिटेलिंग, कोई ना कोई खासियत रही होगी. डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं डिटेलिंग वर्कआउट किया होगा जो नॉर्मल कई लोग नहीं समझते, बट ऑडियंस तक वो रीच करती है वो चीज़ें. आई थिंक एज अ डायरेक्टर यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स ऑफ सिनेमा. इट वॉज वेरी गुड फीलिंग कि भाई पहली फिल्म कामयाब रही आपकी, काफ़ी अवार्ड्स मिले एंड रिकॉग्निशन मिली आपको. एट द सेम टाइम जिम्मेदारी बढ़ गई, बिकॉज आज भी हम कुछ करते हैं तो हमारे अच्छी फिल्म से ही उसकी तुलना की जाती है. हमें दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है. हमें यू डोंट हैव टू लुक फॉर आउटसाइड. वी हैव टू फर्स्ट मेजर टू अवर ओन गुड वर्क व्हाट यू हैव डन. लाइक हमारे अवर ओन गुड वर्क बिकम्स अवर ओन एनिमी काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो जिम्मेदारी बढ़ गई, देन यू फील दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू मेक कंस्टेंटली गुड फिल्म बिकॉज ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन हो गई है. आज भी जैसे डोली से जाकर रखना राजकुमार संतोषी प्रेजेंट्स, तो एक एक्सपेक्टेशन है उसके साथ में. तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू सेल माई नेम और गिव माई नेम टू अ प्रोजेक्ट और वॉट वॉज ए कंसीव प्रोजेक्ट जो खराब हो, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो इसलिए वॉट एवर आई डू, जो भी पिक्चर बनाता हूँ, आई डोंट थिंक अबाउट द प्रॉफिट फर्स्ट. फर्स्ट आई ऑलवेज सी दैट यार नाम खराब नहीं हो जाना चाहिए. ये नहीं कहना चाहिए काम के साथ बेईमानी की है. बिकॉज एक नाम आज एक जिम्मेदारी है, एक विश्वास है लोगों का. चार आदमी नाम देख कर टिकट खरीद के पिक्चर देखने आएंगे तो आई शुड नॉट चीट देम. अ मैन मे फील लिटिल लेट डाउन बाई द फिल्म, बट ये नहीं कहना चाहिए कि भाई धोखा हुआ उसके साथ, गलत काम किया है, ईमानदारी से काम नहीं किया, वो नहीं हो. तो हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कन्विक्शन से पिक्चर बनानी है. वही कोशिश मैंने चाइना गेट में भी की है. या बट सी देयर हियर द स्क्रिप्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एज अ डायरेक्टर आई हैव टू सी द कैरेक्टर्स. यू फील दैट सभी ने अच्छा काम किया है बट स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से ये कैरेक्टर को यहीं तक जाना है. लाइक इट इज म्यूजिक नोट्स लिखते हैं, सिम्फनी लिखते हैं कुछ म्यूजिक नोट्स वर्कआउट करते हैं. तो आप मालूम है कि तबला इतना तबला यहाँ बजना है, यहाँ पे वायलिन आ जाना चाहिए, यहाँ पे गिटार स्ट्रोक शुरू हो जाना चाहिए, देन टोटली मिलकर एक साउंड एक म्यूजिक क्रिएट होता है. तो वन वी वर्क आउट अ म्यूजिक देन ऑर्केस्ट्रा, इट लाइक कंडक्टिंग ऑर्केस्ट्रा. फ्लूट का इतना ही पीस बजना है, छोटा पीस क्यों ना हो लेकिन इतना ही बजेगा. तो लाइक दैट वी हैव वर्क आउट बैलेंस किया. See, because one, again, all my characters are the ex-army people. Film ki story ke hisab se, they all retired army people. So it was natural. They're old, but they know the tricks. They know the game. It is like building themselves again. Dhancha structure hai. Vakt ne abhi unko dhila kar diya hai, sust kar diya hai. But when the cause comes, they all themselves and they come back. So that's what the spirit is. That's what the film is all about. They used weapons earlier. ऐसे नहीं कि भाई डॉक्टर था सडनली बंदूक लेके आ गया मारा मारी कर रहा है. नॉर्मल हिंदी फिल्म में होती है कि चार्टर अकाउंटेंट है लेकिन जब लड़ता है तो ऐसे लड़ता है जैसे स्टालोन लड़ रहा है, कमांडो लड़ रहा है. इस तरह के नहीं है. वी आर शोइंग देम एज आर्मी पीपल, फाइटिंग यूनिट, कम्बैट करने वाले लोग हैं.